गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो ये सुबह के बज रहे हैं 5 और बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बट उठते के साथ मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारी प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है बच्चों के लिए लंच और नाश्ता रेडी करना, क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं तो उनकी तैयारी तो पहले करनी होगी एंड उसके बाद फिर घर के काम। और आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि हरी सब्ज़ी के नाम पे ना सिर्फ फ्रिज में अब बैंगन ही पड़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे यही बनाना पड़ रहा है। आज कोशिश करूँगी कि बच्चे इसे खा ले। और इसके साथ मैं बना रही हूँ सत्तू की रोटी, क्योंकि अगर प्लेन रोटी या पूड़ी बनाती ना तो बच्चे बिल्कुल शायद नहीं खाते, बट सत्तू की रोटी बनाऊँगी ना तो शायद थोड़ा बहुत खा ले। कभी कभी ना सुबह की सब्ज़ी के लिए सच में बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं ऐसा है ताकि बच्चे बहुत इजीली बहुत इंटरेस्ट से खा लें और लंच भी लेके जाएं, बट सच में कभी कभी समझ में नहीं आता है, तब उस वक्त ना काफ़ी इरिटेशन होता है कि रोज़ रोज़ का ये प्रॉब्लम है कि क्या बनाऊं। लेकिन अगर आपने पहले से मील बना के रखा है ना 7 डेज का कि इस दिन ये बनाना है, तब तो बहुत ईजी हो जाता है कि उसके अकॉर्डिंग आप बना लो, बट ऐसे अचानक ना सच में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले से तैयारी करके रखूँ कि नेक्स्ट डे क्या बनाना है मुझे, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बनाना है मुझे बच्चों के लिए, बट कभी कभी ना नहीं हो पाता है तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो भी पड़ा हुआ है उसे बना दो। तो चलिए, सब्ज़ी बनी रही है तो मैंने सोचा इस बीच क्यों ना बच्चों को भी उठा दूँ ताकि वो आराम से फ्रेशअप हो जाए, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। तो मैं आ गई थी बच्चों को उठाने और इन्हें उठाकर मैं वापस जाती हूँ किचन, जब तक मेरा नाश्ता रेडी होता है ना तब तक ये भी फटाफट रेडी हो जाएंगे। तो बच्चों को उठाने के बाद वापस से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जब तक सब्ज़ी रेडी होती है ना तब तक मैं फटाफट इधर आटा गूंथ कर रेडी कर लूँगी, और सत्तू की प्रिपरेशन मैंने करके रख दी है साइड में। तो फटाफट पहले ही आटा गूंथ लेते हैं और रोटियां बनाना स्टार्ट कर देने वाली हूँ, क्योंकि सत्तू की रोटी बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सत्तू की रोटी अगर आप मीडियम आंच में धीरे धीरे अच्छे से पकाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगती है, और अगर हाई आँच में रखोगे ना तो वो फटाफट पक तो जाती है बट अंदर से उतनी अच्छी पकती नहीं है तो टेस्टी उतनी लगती नहीं है। सत्तू जो है ना प्रॉपर अच्छे से पकने चाहिए रोटी के अंदर, तब वो बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसे लिट्टी हम कैसे बनाते हैं धीरे धीरे आग में पका के, वैसे ही अगर मीडियम आंच पे आप सत्तू की रोटियां बनाओगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनली सुबह का नाश्ता रेडी था, बच्चों को मैंने नाश्ता लगा दिया था, उन्होंने नाश्ता कर भी लिया था, एंड उसके बाद बारी थी उनके लंच पैक करने की, तो वो मैं यहाँ फटाफट कर दे रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। जी हाँ, सुबह में आ जाए आप कितने भी जल्दी उठो बट काम करते करते ना समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, बच्चे निकलेंगे अब स्कूल के लिए, तो फटाफट पहले मैं उन्हें नीचे तक छोड़ के आती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो जी फाइनली बच्चे चले गए थे स्कूल और अभी मैं थोड़ा सा निश्चिंत होकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे पीनी है चाय, क्योंकि चाय पिए बिना ना मेरा दिन शुरू नहीं होता है। सुबह और शाम मुझे एक बार चाय चाहिए, और अभी स्टार्ट करने अगेन मुझे घर के सारे काम, तो मैंने सोचा पहले अच्छे से इत्मीनान से चाय पी लूँ एंड उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट करूँगी। और वैसे भी आज घर में बहुत सारे काम हैं, क्योंकि सच में काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, कितना भी आप कोशिश करो ना कि आज मैं सारा निपटा लूँगी ताकि कल मेरे पास काम कम होगा, बट ऐसा होता नहीं है। डेली का हमारा वही काम होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, बट काम होते हैं। तो थोड़ी देर इनके साथ बैठकर मैंने इत्मीनान से चाय पिया, इसी बीच थोड़ी बहुत बातें भी हो गई, क्योंकि सच में ना अभी ऐसा शेड्यूल हो गया है ना हमारा कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुबह में बच्चों के जाने के बाद मेरा भी ऑफिस का टाइम हो जाता है एंड ये भी निकल जाते हैं, तो इसलिए ना मंडे टू सैटरडे तो बिल्कुल हम बिजी ही रहते हैं, संडे में थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है तो बातें हो जाती है, बट अभी क्या है ना छठ का समय है ना तो ऑफिस से छुट्टी मिली हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा समय मैं घर पर दे पा रही हूँ। तो इसी बीच ना इनसे बात भी बहुत सारी हो जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है ना जो डिस्कस करना ज़रूरी होता है, और जब टाइम नहीं मिलता है ना तो फिर लगता है कि कैसे किस तरीके से बात करूँ,
तो अभी इसलिए मैंने ना चाय पीते पीते बहुत सारी बातें इनके इनके साथ डिस्कस कर ली है, बहुत सारी बातें हमारी हो गई है। तो चाय पीने के बाद वो निकल गए थे अपने काम में और अभी मैं हो गई हूँ घर में बिल्कुल अकेले। तो क्यों ना फटाफट घर के काम स्टार्ट किए जाएँ। वैसे भी घर के ना जो साफ सफाई वाले काम होते हैं ना, वो तब भी अच्छे लगते हैं ना जब घर पूरा खाली हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आराम से आप तुरंत घर के काम फिनिश कर सकते हो। नहीं तो यही काम ख़त्म करने करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। और जब भी घर के साफ़ सफाई की बात आती है तो सबसे पहले आता है कि घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, चीज़ें जहाँ हैं उन्हें वापस उनकी जगह में रख लो, एंड उसके बाद घर की साफ़ सफाई स्टार्ट करो। तो मेरी वही रूटीन चल रही है, पहले मैं चीज़ों को सही जगह में रख रही हूँ एंड साथ ही साथ डस्टिंग भी चल रही है, क्योंकि दो चीज़ें अगर एक साथ हो जाती है ना तो उसके बाद फिर काम ख़त्म होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो लगभग लगभग मैंने पूरे घर को रीसेट कर लिया था, ऑर्गेनाइज कर लिया था, बस बचा हुआ था ये पूजा रूम पोछना, जिसे मैं हाथ से ही पोछती हूँ। जी हाँ, मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही कपड़े से मैं पूजा रूम को पोछती हूँ, क्योंकि छोटा सा पूजा रूम ही है। तो इसलिए मैं अच्छे से इसे खुद से अपने हाथों से क्लीन करती हूँ, क्योंकि पूजा रूम ना सही में ऐसी जगह है ना जहाँ आपके मन को दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसलिए मैं इसकी केयर ना खुद से करती हूँ, पोछा वोछा मैं यहाँ नहीं लगाती हूँ। तो चलिए पूजा रूम क्लीन हो गया था और घर भी ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे आंगन में, क्योंकि ना दिवाली के बाद से आंगन को मैंने झाड़ू ही नहीं किया है और आंगन थोड़ा सा गंदा हो गया था, जो कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डस्ट निकल रहा है। तो आंगन को झाड़ू लगाना ज़रूरी था। वैसे तो अगर डेली आंगन को झाड़ू लगाओ ना तो इतनी गंदगी ना हो, बट सही बोलूँ ना तो डेली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि घर में पता है आपको इतने सारे काम हैं, सब कुछ हैंडल करना है एंड उसके बाद फिर आकर डेली आंगन को झाड़ू करो, तो ये ना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी बीच में टाइम मिलता है ना तो फिर मैं आंगन को झाड़ू कर लेती हूँ। तो इसीलिए अभी टाइम था तो मैंने सोचा फटाफट इसे साफ़ कर देती हूँ, तो घर के साथ साथ आंगन भी चमक जाना। और वैसे अगर सही मायने में मैं बोलूँ ना तो घर आप कितना भी साफ़ सुथरा कर लो, बट आंगन भी ना आपका वैसे ही चमकना चाहिए। इसलिए फटाफट ना पूरे आंगन को अच्छे से साफ़ करते हैं एंड उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सावर लेने, क्योंकि घर के काम ख़त्म हो गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली घर की साफ़ सफाई वाले काम कंप्लीट हो गए हैं एंड उसके बाद मैंने ले लिया था सावर और आज मैंने ना अपने हेयर वॉश किए हैं, क्योंकि आज मुझे अपने बालों की थोड़ी सी देखभाल करनी है, क्योंकि कई बार ना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप की केयर करना, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के काम में ना हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि अपने आप को साइड कर देते हैं, बट ये ना होना नहीं चाहिए। और मेरे साथ तो ये अक्सर ही होता है, कई बार सोचती हूँ कि नहीं खुद की केयर करनी भी ज़रूरी है, बट घर के काम में मैं सच में इतनी ज़्यादा इंगेज हो जाती हूँ ना कि फिर थक जाती हूँ एंड उसके बाद फिर खुद को इग्नोर करती हूँ कि नहीं चलो फिर कभी। बट आज ना मुझे अपने बालों की देखभाल करनी ही करनी थी, क्योंकि बाल ना बहुत टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो बाल बहुत कम है, अगर सारे टूट जाएंगे ना तो फिर तो हालत ख़राब हो जानी है। तो इसलिए आज मैं अपने बालों में ना हेयर मास्क लगाने वाली हूँ, और जब भी ये मास्क यूज करती हूँ ना तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये जो झड़ने वाली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इसलिए मैं ये हेयर मास्क आज यूज कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो इसलिए कई बार ना इसे इग्नोर करती हूँ, क्योंकि इसके लिए ना इत्मीनान से आपके पास टाइम होना चाहिए। तो इसलिए आज मैंने अपने सारे काम टाइम पे ख़त्म कर लिए और अभी मेरे पास टाइम है कि मैं ये काम इत्मीनान से कर सकती हूँ। तो पूरे बालों में मैंने हेयर मास्क लगा लिया है, और जैसे हम स्पा कैसे करते हैं थोड़े थोड़े बाल लेकर उसमें अच्छे से क्रीम लगाते हैं, बस मैंने वही वाला तरीका फॉलो किया है। एंड उसके बाद हल्के हल्के हाथों से पूरे सर के अच्छे से मसाज मैंने कर ली है, एंड उसके बाद ना इस क्रीम को लगा के मैं थोड़ी देर छोड़ने वाली हूँ, और उसके बाद फिर गर्म पानी का भाप लेने वाली हूँ। तो मेरे पास ना ऐसा कोई तरीका नहीं है, तो मैं ये देसी जुगाड़ कर रही हूँ। गर्म पानी मैंने ऑलरेडी करके रखा था, तो उसमें मैं मोटा वाला तौलिया भिंगो दे रही हूँ अच्छे से, एंड उसके बाद उसमें से पूरा पानी निकाल लूँगी और उसे ना बालों पे कुछ देर के लिए रखूँगी, जिससे बाल को प्रॉपर जो गर्म पानी का भाप है ना वो अच्छे से मिल सके। ओके, तो सारा प्रोसेस हो गया था, बस ये लास्ट बचा हुआ है। तो अभी मैं इस तौलियों को ना अपने बालों में ऐसे ही 10-15 मिनट रखने वाली हूँ, उसके बाद फिर अगेन हेयर वॉश कर लूँगी, और उसके बाद ना सच में जो बाल है ना बहुत स्मूथ बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं।
और बीच बीच में ना सही मायने में हमें अपने स्किन की, अपने हेयर की ख्याल रखने की ज़रूरत है, बट कई बार हम इग्नोर करते हैं, कई बार तो जानबूझ के भी और कई बार लेजीनेस की वजह से भी और कई बार तो टाइम नहीं मिलता इसलिए भी। बट इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखिए और बीच बीच में जब भी टाइम मिले ना अपनी स्किन और अपने हेयर का ख्याल जरूर रखिए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सच में ये सारी चीज़ें करने के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब आप रिलैक्स हो जाते हो, अच्छा लगता है कि चलो चीज़ें सही हो रही है। जैसे हम स्किन का ख्याल रखते हैं ना, टाइम टू टाइम क्लीनअप करवाते हैं, फेशियल कराते हैं या फिर घर में भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, तो फेस कैसे ग्लो करता है, उसी तरह ठीक हेयर का भी ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये वीडियो ना यहीं एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।